हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल को सॉल्व कर लिया था, ठीक है। आई होप कि आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। देन आफ्टर मैंने डीपीपी भी सेंड की थी बच्चों, जो आपने कर ली होगी। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों नया चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को अब वो आइडिया लग ही गया होगा कि बच्चों यहाँ से किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले हमको क्या पढ़ना होता है बच्चों, प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि मैं हमेशा से पढ़ाता रहा हूं इसी फॉर्मेट में, प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन मेथड बच्चों आप लोगों ने मेनली पढ़ चुके हो, बच्चों मेनली आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन मेथड। सबसे पहला हम बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहला यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहला यहाँ पर बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के थ्रू बच्चों कैसे, आप लोग जानते हो कि अगर मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया, देखो प्राइमरी अल्कोहल का अगर मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से बच्चों, जैसे मैंने आप लोगों को बता रखा है CrO3, H2SO4, ये आपका जोन्स रेजेंट होता है। देन आफ्टर मैंने आपको बता रखा है इसमें कौन कौन से, यहाँ पर केमेनो फोर, ठीक है, H+ या फिर OH-, यहाँ पर Cl2Cr2O7, ये भी आपका H+ मीडियम में, ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं बच्चों। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये आपका सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं होता है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर रिएक्शन को देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने अगर बात करूँ यहाँ पर कि अगर मैंने CH3CH2OH एज एग्जाम्पल मैंने ले चुका हूँ बच्चों, देखते हैं एग्जाम्पल मैंने लिया है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, CH3COOH ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा किसके प्रेजेंस में, केमेनोफोर, ठीक है, केमेनोफोर H+ के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अल्कोहल का अगर मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर मैंने रिएक्शन कराया तो वो 100% आपका किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर एक और मैं बता ही देता हूँ, यहाँ पर फिर से आपका रिपीट हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल लिया, इफ वी विल टेक सेकेंडरी अल्कोहल, अगर मैंने सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया तो ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में बच्चों, या आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये आपका कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। देन फर्दर इसमें मैंने एक और आपको बताता हूँ यहाँ पर, एक पॉइंट तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि अगर मैंने प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एसिड में कन्वर्ट होगा। अब बी पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर एल्कीन एंड अल्काइन का अगर मैंने ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में बच्चों, केमेनोफोर H+ या OH- किसमें बच्चों, हॉट मीडियम में, कौन से मीडियम में, हॉट मीडियम में। देखो जैसे ही अगर मैंने कोल्ड मीडिया लिया होता तो ये आपका बेयर्स एजेंट हो जाता, ध्यान से समझना बच्चों, केमेनोफोर अगर मैंने OH- और मैंने कोल्ड मीडियम लिया होता तो ये आपका बेयर्स रिएजेंट हो जाता, कौन सा हो जाता, बेयर्स रिएजेंट, थोड़ा सा इस बात को ध्यान से समझो। तो यहाँ पर बेयर्स रिएजेंट ना हो इसलिए मैंने कौन सा मीडियम लिया, हॉट मीडियम, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब इसमें मैंने आपको ट्रिक लिखाया था, देखो CH2 डबल बॉन्ड, इसको जैसे ही तोड़ोगे तो ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखो जितने बॉन्ड तोड़ोगे उतने OH लगा दो, जितने बॉन्ड तोड़ोगे नहीं, ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में, CO2 में कन्वर्ट होगा, कैसे, जितने बॉन्ड तोड़ोगे उतने OH तो लगा दो लेकिन साथ साथ जितने हाइड्रोजन है उसको भी OH के साथ आप रिप्लेस कर दो। देखो किस तरीके से मैंने कर रहा हूँ, तरीका समझना, बस तरीका समझो बच्चों, बस
अब देखो, एक कार्बन पे दो OH आपका अनस्टेबल होता है, तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ से ये बाहर निकलेगा, और इसी तरीके से ये यहाँ जाएगा, यहाँ से ये बाहर निकलेगा। तो 2 मोल H2O आपका बाहर चला गया, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज किस में हो जाएगा बच्चों? CO2 में। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, देखो जी, जैसे R CH डबल बॉन्ड, इसको अगर मैंने डिसोसिएट किया तो ये आपका किस में कन्वर्ट होगा? जैसा मैंने आपको बताया वैसा करना है। R को छोड़ दो, जितने हाइड्रोजन है उतने, जितने वो हाइड्रोजन को OH के साथ रिप्लेस करो, और जितने आपने बॉन्ड तोड़े उतने OH के साथ। ये नीचे जाएगा, ये यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पर 1 मोल वाटर रिलीज होने के बाद यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा C OH। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। अब मैं अगर बोलूँ कि यहाँ पर C, ये मेरे पास है, ठीक है, अब इसको अगर मैं डिसोसिएट करूंगा तो क्या बनेगा? तो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन को OH के साथ रिप्लेस करो, और जितने बॉन्ड तोड़े उतने OH आप लगा दो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को OH के साथ मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब ये यहाँ जाएगा और यहाँ से ये आपका खुलेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों? 1 मोल वाटर रिलीज होने के साथ यहाँ पर आपका कीटोन कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका कौन सा कंपाउंड बन जाएगा बच्चों? कीटोन, ठीक है। इसका एक और, एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, पहले भी मैंने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा रखा है बच्चों ये, तो इसलिए आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एक और अब हम समझते हैं ध्यान से, काफी इजी है रिएक्शन बच्चों, काफी इजी है। देखो HCCH, ठीक है, यहाँ पर इसको अब इस बॉन्ड को डिसोसिएट करेंगे इसके प्रेजेंस में, तो क्या करेंगे बच्चों हम लोग? जितने H होंगे उतने OH के साथ, हम जितने H को OH के साथ रिप्लेस करेंगे, और जितने बॉन्ड तोड़ेंगे, जितने बॉन्ड तोड़ेंगे, ध्यान से समझना, जितने बॉन्ड तोड़ेंगे उतने OH लगाएंगे, और जितने H होंगे उतने OH के साथ हम रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर OH के साथ रिप्लेस कर दिया, ये नीचे, ये यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो ये यहाँ जाएगा, तो कितने मोल H2O बाहर निकलेगा आपका बच्चों? 2 मोल H2O। जब 2 मोल H2O बाहर निकलेगा तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? CO2, CO2 बन जाएगा, और साथ में 2 मोल H2O बाहर निकलेगा। नेक्स्ट, अगर मैंने ऐसा कंडीशन ले लिया, अब इस कंडीशन को अगर मैं डिसोसिएट करूंगा तो यहाँ पर R तो नहीं होगा, हाइड्रोजन को OH के साथ आपको रिप्लेस करना होता है, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है, तो 3 OH के साथ रिप्लेस कर देंगे। ध्यान से समझना, 3 पाई बॉन्ड है तो 3 OH के साथ रिप्लेस कर देंगे। अब ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ से एक H2O बाहर निकल जाएगा, 1 मोल ऑफ H2O, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ले दे क्या आपका, यहाँ पर कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर मैंने इस एल्काइन को अगर मैंने डिसोसिएट किया तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है, और मैंने इस एल्केन को कन्वर्ट किया, सॉरी यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर, और अगर मैंने इस एल्कीन को कन्वर्ट किया और इस एल्काइन को केमेनो फॉर्म में, तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। जैसे एक ना को, वो क्वेश्चन को समझ लेते बच्चों, एक क्वेश्चन कैसा होगा ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन देख लेते बच्चों एग्जांपल इसके बेसिस पे, और वैसे मैंने काफी करा रखे हैं। आप देखो, ये आपका क्वेश्चन है, अगर मैंने इसकी रिएक्शन MnO4- के साथ करा दिया, ठीक है, केमेनो फोर बोलो या MnO4- बोलो, देखो अब क्या होगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, यहाँ पर कार्बन, इस कार्बन से यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी में क्या यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है, ये आपका 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला सिस्टम आपका 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये वाले सिस्टम में आपका क्या है, ये वाले सिस्टम में आपका क्या बनेगा बच्चों? कीटोन बनेगा। ये वाले सिस्टम में आपका क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। 2 कार्बन से जुड़ा है ना, देखो ये वाला पॉइंट इस कार्बन से, ये वाला पॉइंट इस कार्बन से, मतलब ये इस टाइप का सिस्टम है, और यहां पर आपका क्या बनता था? कीटोन बनता था। एक ये वाला सिस्टम है, अब यहां पर क्या है, एक कार्बन से एक आपका हाइड्रोजन से, जो आपका हाइड्रोजन से जुड़ा है, देखो यहां पर कौन सा सिस्टम है,
एक कार्बन से और एक आपका हाइड्रोजन सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और मैंने बताया था कि अब अगर हम एल्कीन का करेंगे, अगर हम एल्कीन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो किस तरीके से होगा बच्चों? इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो किस तरीके से होगा? तो यहां पर आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सी डबल बॉन्ड ओ एच, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे, ध्यान से समझना। एक और एग्जांपल हम लेते हैं बच्चों, ध्यान से, काफी इजी है। अगर मैंने CH3CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 यहां पर डबल बॉन्ड कर लो, ये मैंने ले लिया। अब इसका मुझे KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराना है, तो कैसे कराएंगे बच्चों? हॉट मीडिया लेंगे। कौन सा मीडिया लेंगे बच्चों? हॉट मीडियम। अब बच्चों बताओ कैसे करेंगे ऑक्सीडेशन? काफी इजी है। देखो, ये वाला साइड आपका क्या देगा? ये वाले साइड से आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये वाले साइड से आपको क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा। एच को रिप्लेस करो, एच को ओ एच में रिप्लेस करो, और दोनों दोनों आपके डबल बॉन्ड को ओ एच ओ एच में रिप्लेस करो। नाउ इस वाले साइड से आपको क्या मिलेगा? CH3CO CH3 कीटोन मिलेगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको रिएक्शन को डील करना है, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा बच्चों एक दो और क्वेश्चन है, उसको उसको समझते बच्चों। एक दो और आपके रिएजेंट है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉर्म करने में काम आते हैं। देखो, सी बाय HIO4, HIO4 के थ्रू। आपको पता है कि HIO4 आपका किस किस का करता है बच्चों? डाई वन अल्फा बीटा डाई कीटोन, अल्फा बीटा डाई एल्डिहाइड, या फिर आपका क्या करता है बच्चों? अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप, इन सब का करेगा बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था ऑक्सीडेशन। देख लेते हैं, ये मैंने बना दिया इस तरीके का। देखो, यहां पर ये मैंने CH3, यहां पर मैंने CH3, ठीक। ये मैंने आपको क्या बना दिया बच्चों? डाइकेटोन। डाइकेटोन का जब मैं HIO4 के साथ कराऊंगा लेड एसिटेट के प्रेजेंस में, तो आपका रिएक्शन कैसे होगा? ध्यान से समझना बच्चों, क्या होगा कि हमको ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन करना है, और इस वाले बॉन्ड की जगह हमको क्या लगाना है? केवल और केवल ओ एच कंपाउंड। इस वाले बॉन्ड की जगह हमको सिंपल क्या लगाना है? ओ एच कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड लगाना है? ओ एच कंपाउंड। और यहां पर आपका क्या बनेगा बच्चों? 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल, ठीक है। एक और हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं बच्चों। अब हम जैसे मेरे पास ये है, अब इसका मुझे HIO4 के साथ कराना है रिएक्शन लेड एसिटेट के प्रेजेंस में, तो कैसे कराएंगे बच्चों? ये वाला बॉन्ड आप डिसोसिएट करोगे, ये वाला बॉन्ड जैसे ही आप डिसोसिएट करोगे वैसे ही वहां पर क्या लगा दोगे बच्चों? OH, OH। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, यहाँ पर CHOH, ये मैंने इसकी रिएक्शन CH2, यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर CHOH, यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ CH3। अब बताते बच्चों यहां पर किस तरीके से होगा। देखो, इसकी रिएक्शन अगर मैंने HIO4 और लेड एसिटेट के प्रेजेंस में कराया तो क्या होगा बच्चों? ध्यान से समझेंगे। यहां पर CH2 कर लो, ठीक है। अब कैसे होगा बच्चों? ध्यान से समझेंगे। देखो, ये और ये, क्या ये वाला बॉन्ड आपका टूटेगा? नहीं है ना बच्चों, अल्फा अल्फा बीटा या फिर अल्फा बीटा डाइकीटोन, ऐसा नहीं है ना। तो ये वाला बॉन्ड आपका टूटेगा नहीं, ठीक है। अब देखो, यहां पर ये आपका कीटोन है, ये आपका अल्फा अल्फा हाइड्रोक्सी है, ये वाला बॉन्ड आपका टूटेगा। ये आपका कीटोन है, ये आपका अल्फा है, तो ये वाला बॉन्ड भी आपका टूटेगा, ठीक है बच्चों। तो कौन कौन से बॉन्ड आपके टूटे बच्चों? एक ये वाला, एक ये वाला। तो यहाँ पर कितने मोल काम में आए? 2 मोल्स काम में आए। तो देखो, इसको मैं बोलता हूँ फ्रेगमेंट 1, इसको मैं बोलता हूँ फ्रेगमेंट 2, इसको मैं बोलता हूँ फ्रेगमेंट 3। तो फ्रेगमेंट 1 से हमको क्या मिलेगा बच्चों? देखो,
CH2OH, CH2COOH कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया मुझे। साथ में अगर मैं फ्रेगमेंट टू की बात करूँ तो फ्रेगमेंट टू में क्या होगा, यहाँ पर H तो ऐसा ही रहेगा, H को हटा के जितने बॉन्ड तो तोड़ेंगे बच्चों, जस्ट उल्टा है। केमिनोफोर में हाइड्रोजन को भी OOH के साथ हम रिप्लेस करते थे, लेकिन यहाँ पर हम जितने बॉन्ड तोड़ेंगे उतने OH के साथ रिप्लेस करेंगे। ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, HCOH कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं फ्रेगमेंट थ्री की बात करूं तो फ्रेगमेंट थ्री में क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से, फ्रेगमेंट थ्री में भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर HIO4 विद लेड एसिटेट के प्रेजेंस में भी हम क्या करा सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। काफी इजी रिएक्शन है, एक दो बार अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों, जो आप जानते हो, बाय ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है, बाय ग्रिगनार्ड रिएजेंट, तो देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन बाय ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट के थ्रू हम कैसे करेंगे बच्चों रिएक्शन, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर मैंने CO2 की रिएक्शन पीएच एमजीबीआर के साथ करा दिया और साथ में क्या करा दिया बच्चों, हाइड्रोलाइसिस, तो आपका क्या बनता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका मैकेनिज्म हम समझ लेते हैं बच्चों ध्यान से, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, ये आपका C डबल बॉन्ड हो, इसकी रिएक्शन मैंने पीएच एमजीबीआर के साथ करा दिया। नाउ ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, CO CO- PH, और यहां पर MgBr आ जाएगा। नाउ इसका मैं अगर हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, CPH डबल बॉन्ड OH, ये आपका इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और इसका नाम क्या होगा बच्चों, बेंजोइक एसिड, इसका नाम क्या होगा, बेंजोइक एसिड। बच्चों नाम साथ साथ याद करते जाओ, ठीक है, ताकि आपको हेल्पफुल रहे। अगर देखो इसकी रिएक्शन मैंने, अब देखो यहां पर मैंने ये ले लिया, क्या बोलते हैं, बीआर, इसकी रिएक्शन मैंने एमजी के प्रेजेंस में ईथर के साथ करा दिया, ठीक है। यहाँ जो प्रोडक्ट बना उसकी रिएक्शन मैंने CO2 के साथ हाइड्रोलाइसिस कराना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल टू। अब देखो क्या होगा बच्चों यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान से समझो क्या होगा यहाँ पर, देखो एमजीबीआर के प्रेजेंस में ये इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, यहाँ पर MgBr। नाउ अब क्या होगा, जब ये आपका CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो CO2 के साथ किस तरीके से, ये आपका यहाँ पर ए प्रोडक्ट बन जाएगा और यहाँ पर बी। अब जैसे ही ये आपका CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये आपका यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड आपका यहाँ खुलेगा। नाउ अब आपका क्या होगा, सी इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर O-MgBr और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ फर्दर अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो आपका क्या बनेगा, CO H डबल बॉन्ड O, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको प्रोडक्ट फॉर्म करना है बच्चों। काफी इजी रिएक्शन है, एक दो बार अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक और रिएक्शन इसी पे बेसिस हम देख लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल 3। मैंने आपको आगे ही बहुत कुछ पढ़ा दिया है बच्चों, तो इसीलिए आप लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड काफी इजी जाने वाला बच्चों, कोई ज्यादा टफ नहीं है। अगर मैंने CH3CH2 BR के साथ रिएक्शन मैंने अगर MgBr के साथ, Mg ईथर के साथ करा दिया, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, CH3CH2MgBr। नाउ फर्दर इसकी रिएक्शन मैंने अगर CO2 के साथ करा दिया, हाइड्रोलाइसिस कराना है, तो क्या होगा बच्चों, CO2 में ये आपका न्यूक्लियोफिलिक की तरह अटैक करेगा, ये यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ खुलेगा, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, CO CH2 CH3, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर O-MgBr, देन फर्दर अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर C2H5CO OH। आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको रिएक्शन को डील करना है।
ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। अब हम एक नेम रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों, फेवर्स की रिएक्शन। अगला थर्ड रिएक्शन, एक नेम रिएक्शन है बच्चों, फेवर्स की रिएक्शन। अब देखो इस रिएक्शन की खास बात क्या है बच्चों, देखो यहां पर आपका क्या है कंपाउंड, ध्यान से समझना, यहां पर आपका कंपाउंड कैसा है बताओ। यहां पर हम बोल सकते हैं इसके रेस्पेक्ट में अल्फा, ठीक है, अल्फा हेलो कीटोन, अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड। अब क्या होगा, इसकी रिएक्शन जब भी मैं एसिड यहां पर बेस के साथ कराऊंगा तो यहां से ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करके ले जाएगा, तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, देखो ध्यान से, यहां पर ये आपका माइनस, ये आपका इस तरफ, ये आपका इस तरफ। अब आपका क्या करेगा, माइनस चार्ज इस पर अटैक करेगा। अब माइनस चार्ज आपका किस पर अटैक करेगा बच्चों, ध्यान से समझना, माइनस चार्ज इस पोजीशन पे अटैक करेगा। जैसे ही आपका माइनस चार्ज इस पोजीशन पे अटैक करेगा तो आपका क्या बना देगा बच्चों, यहां पर ये वाला बॉन्ड, और यहां से बी आर एज ए लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है, बी आर एज ए लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकल गया, तो आपका इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म होगा, ठीक है, ध्यान से समझना, इस तरीके से आपका कंपाउंड फॉर्म होगा। यहां तक कि आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये वाला आपका यहाँ अटैक कर रहा है, तो यहाँ से बी आर एज ए लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकल रहा है। सेकंड में आपका क्या होगा, सेकंड में आपका यहाँ पर ओ एच माइनस अब इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान से समझना, अब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, तो यहाँ पर आपका ओ एच, यहाँ पर ओ माइनस, अब ये वाला बॉन्ड बन चुका था, ये आपका जैसे ही नीचे जाएगा तो ये वाला बॉन्ड आपका खुल जाएगा, और ये वाला बॉन्ड अगर आपका खुल गया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, ये आपका सी डबल ओ एच, मतलब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और यहाँ पर आपका फाइव मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो ये रिएक्शन थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर इस तरीके से आपका रिएक्शन होता है, काफी इजी रिएक्शन है, अगर आप एक दो बार ध्यान से देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको रिएक्शन को डील करना है, काफी इजी रिएक्शन है, एक दो बार अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक और रिएक्शन देख लेते बच्चों, इसी पे बेसिस, PHCH2COCH2Br, ये हमारे पास रिएक्शन है। नाउ अब क्या होगा, NaOH के प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करके ले जाएगा, इस वाला, ये वाला यहाँ पर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल है ना बच्चों, ज्यादा कॉन्जुगेशन में, तो इसीलिए ये वाला आपका एसिडिक हाइड्रोजन होगा, ये आपका ट्रैप करके ले जाएगा। नाउ अब आपका क्या बनेगा बच्चों, पीएच सी एच माइनस, बट बच्चों में यहाँ पर इनोलेट आयन बना के अटैक नहीं करा रहा, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इस तरीके से ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आपका इनोलेट आयन बन जाएगा, ठीक है, मैं आपको इनोलेट आयन बना के भी अटैक करा के बता देता हूँ बच्चों, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इनोलेट आयन के थ्रू भी कैसे अटैक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, पी एच सी एच डबल बॉन्ड सी ओ माइनस, यहाँ पर सी एच टू बी आर, अब ये बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा, यहाँ से बी आर बाहर निकलेगा, तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो अब आपका क्या बनेगा बच्चों, देखो पी एच सी सी आपका इसके पास चला गया, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू, देखो यहाँ पर सी एच है, ये वाला बॉन्ड आपका फॉर्म हो चुका है, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये वाले बॉन्ड को मैंने इस तरीके से बना दिया बच्चों, आप इसको ऐसे भी बना, इसको हम ऐसे भी बना लेते हैं, सी एच टू सी एच, अब ये आपका पी एच बन गया। नाउ फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में ओ एच माइनस फिर से आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और ये ऊपर जाएगा, जैसे ही आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो देखो यहाँ पर पी एच सी एच, ठीक है, यहाँ पर सी ओ एच, यहाँ पर ओ माइनस, अब यहाँ पर सी एच टू, और यहाँ पर इस तरीके से। नाउ अब ये वाला बॉन्ड अगर आपका यहाँ खुलेगा, ये वाला बॉन्ड अगर आपका यहाँ खुलेगा तो ये वाला बॉन्ड आपका बाहर निकल जाएगा,
अब आपका क्या होगा, रिंग ओपनिंग होगी, तो रिंग ओपनिंग होगी तो यहाँ पर CH, COOH, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, CH3। इस तरीके से आपका रिएक्शन होता है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या हुआ, PH के बाद आपका COOH, मतलब यही वाला कंपाउंड आपका COOH में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पर CH3। और कहीं कहीं देखा जाए कि अगर ये वाला रिंग अगर आपका ओपनिंग होता है तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, ये वाला रिंग अगर ओपनिंग होगा तो CH2 COOH CH3 COOH और यहाँ पर CH और यहाँ पर PH। अब देखो ये वाला रिंग अगर ओपनिंग होगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये वाला रिंग अगर ओपनिंग होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस चार्ज, और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस चार्ज। अब देखो माइनस चार्ज कहाँ ज्यादा स्टेबल है बच्चों, ये वाला रिंग ओपनिंग होगा तो यहाँ ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाला रिंग ओपनिंग होगा, तो मतलब मेजर प्रोडक्ट आपका क्या होगा बच्चों, ये होगा, ये आपका क्या होगा बच्चों, माइनर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट होगा, माइनर, और ये आपका क्या कौन सा होगा बच्चों, मेजर प्रोडक्ट। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी रिएक्शन है फेवर्स की रिएक्शन। आपको क्या करना है, बेस के प्रेजेंस में अल्फा हेलो कीटोन, अल्फा हेलो कीटोन की रिएक्शन करानी है, बस इतना ध्यान रखो बच्चों, बस और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा पोजिशन, और अल्फा पोजिशन पे क्या है बच्चों, हेलोजन ग्रुप अटैच है, तो इस तरीके से हमको इस रिएक्शन को डील करना है, काफी इजी रिएक्शन है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन पे। हेलो बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में फेवर्स की रिएक्शन तक पढ़ लिया था, अभी हमने नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस फोर्थ रिएक्शन आपका क्या है बच्चों, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड हैलाइड, एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स का आप लोग हाइड्रोलाइसिस किस तरीके से करोगे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। देखो हाइड्रोलाइसिस बोलो या अमोनोलाइसिस बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं। देखो अगर मैंने यहाँ पर सीओ सीओ यहाँ पर लिविंग ग्रुप, ठीक है, अब इसकी रिएक्शन मैंने, ये आपका हाईली रिवर्सिबल होता है बच्चों रिएक्शन, ठीक है, अगर जब मैंने इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया बच्चों, मैं सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूँ, मैकेनिज्म इस तरीके से नहीं है, मैकेनिज्म कुछ अलग तरीके से, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिंपल सिंपल लैंग्वेज में आपको कंसेप्ट बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आर सी ओ यहाँ पर आपको क्या बन जाएगा, OH कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोलाइसिस से। देखो बच्चों यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस नहीं, यहाँ पर अमोनोलाइसिस भी करा सकते हैं, अमोनोलाइसिस भी करा सकते हैं। अमोनोलाइसिस किस तरीके से बच्चों, यहाँ पर लिविंग ग्रुप है, यहाँ पर NH3 के साथ मैंने रिएक्शन करा दिया, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर RCO-NH3+ और यहाँ पर लिविंग ग्रुप। अब यहाँ से H बाहर, अब यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ से H बाहर निकलेगा और यहाँ से L, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर आपका RCO-NH2 बन जाएगा, अमोनोलाइसिस कराएंगे। लेकिन अगर मैं एल्कोलोलाइसिस कराऊंगा, एल्कोलोलाइसिस, तो क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से, ये हमने करा चुके हैं बच्चों। अब देखो RO या R-OH के प्रेजेंस में अगर मैंने इसकी रिएक्शन करा दी तो ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RO-+ RO, यहाँ पर क्या जाएगा, H, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर L। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड नीचे खुलेगा, अब ये आपका बाहर निकल जाएगा H के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका हो जाएगा RCOOR-, ठीक है, और यहाँ पर आपका LH बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये रिएक्शन तो आपने पहले भी पढ़ी हुई है, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, ठीक है, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन मतलब एस्टर को प्रिपेयर करने का, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर किसी भी रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, काफी इजी है। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रोलाइसिस को देख लेते हैं बच्चों कि किसमें क्या बनेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको इजी पड़ जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो RCOOR के प्रेजेंस में अगर मैंने इसका एसिडिक मीडिया में हाइड्रोलाइसिस करा दिया, ठीक है, तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर मैंने इसका बेसिक मीडिया में हाइड्रोलाइसिस कराया तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन, थोड़ा सा ध्यान रखो। अगर मैंने इसी तरीके से हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल ग्रुप, नाइट्राइल एंड आइसो नाइट्राइल ग्रुप,
आप थोड़ा सा इसमें मगअप करने वाला है तो मगअप कर लेंगे तो आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सीएन का अगर मैं हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडिया में कराऊंगा तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर आर सी डबल ओ एच बन जाएगा। लेकिन अगर और यहाँ पर अमोनिया गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बेसिक मीडिया में रिएक्शन कराया तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर बेसिक मीडिया में आपका सी डबल ओ माइनस कार्बोक्सिलेट आयन और यहाँ पर अमोनिया गैस बाहर निकलेगी इस तरीके से। और अब हम और भी देख लेते हैं यहाँ पर आइसो नाइट्राइल के केस में। तो आइसो नाइट्राइल के केस में क्या होगा बच्चों, आर एन सी के केस में देख लेते हैं, यहाँ पर ये आपका माइनस एन, ये आपका प्लस एन। अब यहाँ पर आपका एसिडिक मीडिया, यहाँ पर मैंने इस तरीके से कर दिया H3O+। अब यहाँ पर मैंने बेसिक मीडिया में रिएक्शन कराया तो बेसिक मीडिया में इसका हाइड्रोलाइसिस इम्पॉसिबल है, तो हम कौन सा मीडिया लेंगे बच्चों, एसिडिक मीडिया। तो एसिडिक मीडिया में आपका कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस ऑफ अमाइड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ अमाइड, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ अमाइड में क्या होगा, सिमिलर है, कोई फर्क नहीं है बच्चों। यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस ऑफ अमाइड में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर अगर मैंने एसिडिक मीडिया ले लिया तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपका रिवर्सिबल होगा। लेकिन अगर मैंने OH- के प्रेजेंस में कर लिया तो ये आपका आपका इरिवर्सिबल फिनोमिना होगा और यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। तो इस तरीके से हमको कुछ हाइड्रोलाइसिस हमको ध्यान रखनी चाहिए कि हाइड्रोलाइसिस करा के हम आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन आपका क्या है बच्चों, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, जिसके बारे में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ चुके होंगे बच्चों। तो क्या होता है समझते हैं, फिफ्थ रिएक्शन बाय ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के थ्रू रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेटिव का मतलब O3 और H2O2 के प्रेजेंस में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड अगर डिसोसिएट होगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों, कीटोन कंपाउंड। ये वाला बॉन्ड अगर आपका डिसोसिएट होगा, यहाँ पर आर कर देता हूँ, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट बनने होगा तो आपका आर सी डबल ओ एच बन जाएगा। और अगर यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड वाला डिसोसिएट होगा तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड। तो इस तरीके से आपको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो कि मैंने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा चुका हूँ। अब मैक्सिमम रिएक्शन आपकी रिपीट होगी तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अब मैकेनिज्म बताने की रिक्वायरमेंट है। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों इसका। अगर मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 कर दिया, ये वाला फ्रेगमेंट आपका किससे मैच कर रहा है, इससे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, HCOOH बन जाएगा। और ये वाला फ्रेगमेंट आपका किससे मैच कर रहा है, इससे, तो यहाँ पर आपका CH3COOH बन जाएगा, ठीक है, COOH, ठीक है बच्चों। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, देखो जैसे मैंने ले लिया, ये मैंने साइक्लोहेक्सीन बना दिया, अगर मैंने इसका O3 और H2O2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दिया तो यहाँ पर ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पर आपका इस तरीके से बनेगा OH, यहाँ पर भी आपका OH इस तरीके से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अब हम समझते हैं बच्चों, यहाँ पर अगर मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CCH3 CH3, अगर मैंने इसका O3 और H2O2 के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराया, सॉरी इसका ओजोनोलाइसिस कराया, तो यहाँ पर ये वाला फ्रेगमेंट आपका किससे मैच कर रहा है, इससे, और ये वाला फ्रेगमेंट आपका इससे मैच कर रहा है, तो यहाँ पर आपका CH3 COOH बनेगा और एक तरफ आपका क्या बन जाएगा, कीटोन कंपाउंड। थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों इसको, ठीक है। अगर मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल ले लिया, देखो इसका मैंने O3 और H2O2 के साथ कराया, तो ये वाला फ्रेगमेंट आपका इससे मैच कर रहा है, जब इससे मैच करेगा तो दोनों साइड आपका क्या बन जाएगा बच्चों, बन जाएगा, दोनों साइड आपका क्या बन जाएगा बच्चों, कीटोन ग्रुप। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी रिएक्शन है। अगर एक दो बार अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको रिएक्शन समझ में आ जाएगा। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों कुछ एग्जांपल पे एक एक करके, ठीक है बच्चों। एक यहाँ पर एक मैं बेसिस टाइप एग्जांपल लेता हूँ, जिससे आपके सारे कंसेप्ट इसके अंदर ही, एक क्वेश्चन के अंदर ही आपके आ जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, तो इसको नोट डाउन करो। तो अब मैं क्वेश्चन की ओर, अब हम चलते थोड़ा एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल दे देख लेते हैं एक एक करके। एक
बस एक पैसेज टाइप का क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक पैसेज टाइप का क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चों, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक पैसेज टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ए सी नाइन एच टेन ओ थ्री, ठीक है, इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, ए चेंज ऑरेंज कलर, चेंज ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर ऑफ सी आर ओ थ्री एच टू एस ओ फोर सॉल्यूशन टू ब्लू ग्रीन कलर कलर, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ए ऑन विगोरस ऑक्सीडेशन, विगोरस ऑक्सीडेशन विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड अल्कालाइन केमेनोफोर गिव्स बेंजोइक एसिड, गिव्स बेंजोइक एसिड एसिड डेरिवेटिव्स। ए ऑन ट्रीटमेंट विद, ए ऑन ट्रीटमेंट विद एच बी आर गिव्स बी सी नाइन एच नाइन ओ टू बी आर विद सेम कॉन्फिग्रेशन, सेम कॉन्फिग्रेशन ऑफ ए। अब देखो यहां पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है वो मैं लिखता हूं। आई होप कि आपको ऑप्शन के थ्रू ही जा सकते हो बच्चों इस रिएक्शन में। तो देख लेते हैं, सबसे पहले यहां पर ए ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले आपका काम क्या है बच्चों, कार्बन चेक कर लेना और डीओयू चेक कर लेना सभी क्वेश्चंस में। तो यहां पर ए ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों कुछ ऐसा, ओ एच या आपका सी डबल ओ एच। बी ऑप्शन कैसा दिया हुआ है बच्चों, यहां पर बी ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों ऐसा, ठीक है। ये आपका इस तरीके से यहाँ पर ओ एच, यहाँ पर सी डबल ओ एच, ठीक है। सी ऑप्शन कैसा दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पर सी एच टू ओ एच और यहाँ पर सी ओ एच। और डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है बच्चों, ये आपका पहला क्वेश्चन है, कंपाउंड ए को पहचानना है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए। ये आपका पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई कंपाउंड ए, कंपाउंड ए पैसेज में पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका आइडेंटिफाई कंपाउंड है। अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, ऑप्टिकली एक्टिव है। सबसे पहले ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा है बच्चों उसको पहचान लो। यहाँ पर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। तो सारे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन सी आर ओ थ्री ब्लू ग्रीन और विगरस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बच्चों कभी भी आपका फिनाइल रिंग का नहीं होगा, फिनाइल रिंग का ऑक्सीडेशन इम्पॉसिबल है। तो फिनाइल रिंग का ऑक्सीडेशन आपका होता नहीं है। अगर बाय द वे फिनाइल रिंग का अगर मैं ऑक्सीडेशन भी कराता हूँ कोई कोई ग्रुप लगा के, तो यहाँ पर इस तरीके से कंपाउंड बन जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखो इसको। तो यह वाला बात तो हम बाद में बात करेंगे बच्चों बेंजोइक एसिड में, लेकिन अभी हम इसमें बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या बना रहा है, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का मतलब पीएच रिंग उसके अंदर होगा। देखो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो यहाँ पर कीटोन बनेगा ना कि बेंजोइक एसिड, तो ये गलत है। यहाँ पर आपका क्या बनेगा बच्चों, कीटोन बनेगा, तो ये भी आपका गलत है। यहाँ पर आपका क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा, ये भी आपका गलत है। तो आपका कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। अभी भी हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर मैंने इसकी ट्रीटमेंट किसके साथ कराऊं, एचबीआर के साथ, तो ये कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करेगा। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं, यहाँ पर बीआर आ जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। शुरुआत में ये आपका क्या था, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आपका, देखो यहाँ पर बीआर के साथ रिएक्शन कराया, इसकी रिएक्शन मैंने अगर एचबीआर के साथ कराई तो क्या ये आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा, नहीं करेगा ना। जो आपका यहाँ पर बीआर कर दिया, देखो यहाँ पर अभी आपका ये वन है तो यहाँ पर भी आपका वन ही होगा, आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। तो
कंपाउंड ए आपका क्या होगा बच्चों, सी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, ऑक्सीडेशन आपका बेंजोइक एसिड दिया हुआ है। बेंजोइक एसिड का मतलब यह, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो यहां पर ध्यान से समझो, यहां पर ध्यान से समझना, अगर मैंने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया तो यहां पर सी डबल ओ एच, यहां पर सी डबल ओ एच, तो सी के मतलब बेंजीन रिंग के बगल वाले कार्बन पे अगर मैंने यहां पर सी डबल ओ एच, यहां पर बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स बन जाएगा। तो बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव KMnO4 के साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव्स। तो यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर CH2OH को अगर मैं ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो यहां पर सी डबल ओ एच, या फिर यहां पर देखो यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो ये आपका इसमें भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया था कि टोलुइन का मैंने आपको बताया था, टोलुइन का जब भी मैं ऑक्सीडेशन कराता हूं तो यहां पर आपका क्या बन जाता है, बेंजोइक एसिड बन जाता है। बेंजोइक एसिड बनने का मतलब आपका फिनोल रिंग, मतलब इसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। जहां पर भी हाइड्रोजन है ये भी बेंजोइक एसिड, यहां पर भी हाइड्रोजन है ये भी बेंजोइक एसिड, यहां पर भी हाइड्रोजन है ये भी आपका बेंजोइक एसिड, तो सारे आपके बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होंगे। लेकिन आपको पता कैसे करना है, इससे यहां पर RS आपका चेंज नहीं होगा, सारे आपके बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो सकते हैं, बेंजोइक एसिड में सारे आपके कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर मैंने BR लगा दिया तो ये अपने कॉन्फिगरेशन को चेंज नहीं करेगा, लेकिन यहां BR लगा दिया तो यहां पर ये आपका वन हो जाएगा, ये आपका कॉन्फिगरेशन को चेंज कर लेगा। चेक करो बच्चों, यहां पर ये तीनों आपके इसके कॉन्फिगरेशन को चेंज कर लेंगे, यहां पर आपका कॉन्फिगरेशन चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका वन है ये आपका वन ही रहेगा, ये आपका टू होगा तो टू ही रहेगा। ठीक है, यहां पर कॉन्फिगरेशन आपका चेंज नहीं होगा। अब हम इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। देखो यहां पर मेरे पास कंपाउंड आ गया ए, कंपाउंड आपका आ चुका है ए। अब क्या बोला है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, बी की रिएक्शन अगर मैंने NaOH के साथ करा दिया H3O+ के प्रेजेंस में और H3PO4 के प्रेजेंस में मैंने हीट कर दिया, तो यहां पर और मैंने विल्किंसन कैटलिस्ट, कौन सा विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट। अब मैं आपको बता देता हूँ, पहले बच्चों विल्किंसन कैटलिस्ट आपके H2 का एडिशन का काम करता है, मतलब रिडक्शन का, एल्किन और एल्काइन के, ठीक है, रिडक्शन का काम करेगा। तो आपका क्या बनेगा, सबसे पहले बी तो बनाओ, आपका ए क्या आया था बच्चों, ए आपका कुछ ऐसा कंपाउंड आ गया था CH2OH और यहाँ पर COOH। अब इसका मैंने BR के साथ रिएक्शन कराया तो ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर CH2Br और यहाँ पर COOH। अब इसका NaOH के प्रेजेंस में जब मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों, NaOH के प्रेजेंस में जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो यहाँ पर आपका CH2 की जगह OH आ जाएगा और यहाँ पर COOH। नाउ H3PO4 क्या करता है बच्चों, डिहाइड्रेशन करेगा, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म होगा। अब यहां पर डिहाइड्रेशन होगा तो ये आपका किस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से आपका बन जाएगा। ठीक है, नाउ विल्किंसन कैटलिस्ट आपके एल्कीन को रिड्यूस करने का काम करेगा, तो यहां पर दोनों जगह आपका क्या जुड़ जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन, दोनों जगह आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, मतलब आपका CH3COOH बन जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब क्या बोलता है बच्चों कि अब आपको बोलता है यहां पर कि जो आपका यहां पर कंपाउंड कौन कौन सा बना था बच्चों, यहां पर कंपाउंड आपका बना था कुछ ऐसा। ठीक है, यहां पर कंपाउंड आपका बना था कुछ ऐसा, थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर CH3 देन फादर इसका विल्किंसन कैटलिस्ट में, हाँ इस तरीके से कंपाउंड बना था। अब ये जो कंपाउंड था सेकंड क्वेश्चन का सी था, ठीक है, इसको मैंने सी क्वेश्चन बोला। अब अगला क्वेश्चन कि ये वाला कंपाउंड आपका कैसे कब बनेगा, ये वाला कंपाउंड आपका कब बनेगा, देखो बी से पहले में हमने बी आइडेंटिफाई कर लिया, बी से हमने क्या बना लिया सी। अब अगला क्वेश्चन आपको बोलता है बच्चों यहां पर कि ये ना बी यहां पर सी बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस आपका करेक्ट है, सी बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस आपका करेक्ट है, तो आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन, तो सी बनाने के लिए आपका कौन सा प्रोसेस करेक्ट है ये आपको बताना है। ठीक है, सी बनाने के लिए ये ए हो गया, यहां पर बी समझ लेते हैं, बी में आपको ये दिया हुआ है। अब देखो यहां पर O3 और H2O2, ठीक है, यहां पर सी सी आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, सी आपको दिया हुआ है यहां पर PH CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर BH3 THF। ठीक है,
और डी आपको क्या दिया हुआ है, डी आपको यहां पर दिया हुआ है PHCl CH3 MgEtO E2O, मतलब ईथर दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। CO2 के साथ रिएक्शन करा के इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है, ये आपको प्रोसेस दिए गए। अब आपसे पूछा है कि कौन से प्रोसेस से आपका ये वाला कंपाउंड जो आपको बी से मिला है ना, वो कंपाउंड कौन से प्रोसेस से बनेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक एक करके ध्यान से कि किस तरीके से आपको करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व, एक एक करके ध्यान से देखते हैं बच्चों, काफी इजी होगा, देख लेते हैं एक एक करके। तो यहां पर अगर मैंने पहला एक ही रिएक्शन अगर मैंने करा दिया, तो एक ही रिएक्शन अगर मैंने MgBr के साथ करा दिया, देखो सारे क्वेश्चन आपके एक साथ आ गए बच्चों इसमें, Mg के साथ कराया तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, पहला यहां पर आपका MgCl बन जाएगा। अब MgCl की रिएक्शन अगर मैंने CO2 के साथ करा दिया तो यहां पर क्या बनेगा, PHCH2CH2COOH, ऐसा बन जाएगा बच्चों। तो क्या ये इससे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये वाला आपका नहीं होगा। अगर मैं बी की बात करूंगा तो बी में क्या है बच्चों, PH CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर मैंने इसका ओजोनोलाइसिस करा दिया H2O2 के प्रेजेंस में, तो ये वाला बॉन्ड आपका टूटेगा, ये वाला बॉन्ड अगर आपका टूटेगा तो यहाँ पर CH2 CH2 C, यहाँ पर COOH और यहाँ पर HCOH, तो यहाँ पर भी आपका ये वाला कंपाउंड नहीं बनेगा, तो ये भी आपका गलत होगा। अगर मैं सी में जाऊंगा तो सी में आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहाँ पर BS3 और THF, तो BS3 THF तो आपको अल्कोहल बनाने में काम आता है बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन है ये, तो आपको अल्कोहल बनाने में काम आएगा। नाउ अब देखो यहाँ पर अगर मैंने डी ऑप्शन देखा तो डी ऑप्शन में क्या होगा, ये भी नहीं होगा, तो डी ऑप्शन क्या होगा बच्चों आपका PHCl CH3। अगर मैंने इसकी रिएक्शन MgEt2O के साथ करा दिया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, PHMgCl और यहाँ पर CH3। अब इसकी रिएक्शन मैंने अगर CO2 के साथ हाइड्रोलाइसिस करा दिया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, PH, यहाँ पर आपका CCH3, यहाँ पर COOH, इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। और यही तो कंपाउंड हमको चाहिए था, यही तो हमारा सी था, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरीके से पैसेज वाइज क्वेश्चन के थ्रू हमें काफी रिएक्शन है समझ में आ गई है, तो थोड़ा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर, अब बच्चों हमारे सामने अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर टू। अगर मेरे पास इसकी रिएक्शन आ गई है, बाय द वे ये मेरे पास, अब इसकी रिएक्शन मुझे HCN के साथ कराना है और यहाँ पर मुझे हाइड्रोलाइसिस कराना है देन आफ्टर, ठीक है, एक्सेस अमाउंट में। तो देखो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा CN और यहाँ पर OH, यहाँ पर आपका सी एन, यहाँ पर ओ एच, साइनोहाइड्रिन आपको मैंने बताया, बता चुका हूँ बच्चों। अब अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ओ एच सी डबल ओ एच, यहाँ पर क्या बन जाएगा सी डबल ओ एच ओ एच, यहाँ पर क्या बन जाएगा सी डबल ओ एच ओ एच, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, अब हम ध्यान से काफी इजी इजी क्वेश्चन है, तो एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन अगर मैंने HCl के साथ करा दिया,
ठीक है, HCl के साथ कराने पर इसकी रिएक्शन मैंने यहाँ पर MgETO के साथ करा दिया। नाउ फर्दर यहाँ पर फिर इसका मैंने CO2 के साथ रिएक्शन करा के H3O+ के साथ कराया, और इसी की रिएक्शन अगर मैंने यहाँ पर, ध्यान से समझना, अगर मैंने यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिला इसकी रिएक्शन मैंने अगर L2O3 के प्रेजेंस में यहाँ पर NaOH के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है, NaOH के साथ रिएक्शन कराया और NaOH के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है। अब NaOH का रिएक्शन फिर मैंने इसका क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पर मैंने CrO3 और H2SO4, इसको बोलेंगे जोन्स रिएक्शन, ठीक है। इस तरीके से हमको रिएक्शन के आंसर निकालने हैं। तो किस तरीके से सोल्व करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को, काफी इजी क्वेश्चन है, अब तो आप लोगों को आ चुका होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, देखते हैं, ये आपका एक्वस मीडियम है। अब देखो सॉल्यूशन इस लाइन का देखते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर आपका मार्कोनिक ऑफ होगा, तो CH3CH, यहाँ पर Cl, यहाँ पर CH3, इस तरीके से बन जाएगा। नाउ इसका अगर मैंने MgETO के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3CH MgCl और यहाँ पर CH3, ठीक है। नाउ फर्दर अगर मैंने इसका CO2 के साथ रिएक्शन कराया, हाइड्रोलाइसिस कराया, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, देखो यहाँ पर ये आपका इस तरीके से टूटेगा, ये आपका और ये आपका यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ पर ये आपका इस तरीके से O-MgCl और यहाँ पर इस तरीके से कंपाउंड आपका, सॉरी यहाँ पर इसने अटैक किया तो यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। नाउ फर्दर अगर मैंने इसका हाइड्रोलाइसिस कराया तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा कार्बोक्जिलिक एसिड, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा कार्बोक्जिलिक एसिड। इस तरीके से आपका पहला रिएक्शन तो प्रोग्रेस हो गया। अगर मैं सेकेंड रिएक्शन को देखें, सेकेंड रिएक्शन में ये वाला प्रोडक्ट तो आपका सिमिलर है, तो ये वाला प्रोडक्ट आपको क्या मिला था, देख लेते हैं, ये वाला प्रोडक्ट आपको ये ऐसा मिला था ClHCl3। अब इसकी रिएक्शन मैंने NaOH के साथ करा दिया तो यहाँ पर CH3CHOH और यहाँ पर CH3। नाउ फर्दर अगर मैंने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया क्या, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन मैंने अगर OSO4 के साथ करा दिया NH4Cl के प्रेजेंस में, और इसकी रिएक्शन मैंने अगर CrO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में करा दिया, और साथ साथ मैंने किसके प्रेजेंस में, यहाँ पर HIO4 मैंने ले लिया लेड एसिटेट के प्रेजेंस में, ठीक है। नाउ अब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको हम समझते हैं। देखो यहाँ पर CH2OH बन जाएगा ऑस्मियम O4 के प्रेजेंस में बच्चों, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर CrO3 क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा। अब CrO3 अगर इसका ऑक्सीडाइज करेगा तो ये भी आपका प्राइमरी एल्कोहल, ये भी आपका प्राइमरी एल्कोहल, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा बच्चों, C OH और यहाँ पर C OH। लेकिन अगर मैंने इसका रिएक्शन HIO4 के साथ कराया लेड एसिटेट के फॉर्म में, लेड एसिटेट के प्रेजेंस में, तो क्या होगा बच्चों, ये वाला बॉन्ड आपका टूटेगा। ये आपका फ्रेगमेंट वन और ये आपका फ्रेगमेंट टू, फ्रेगमेंट वन और फ्रेगमेंट टू दोनों सिमिलर है, ठीक है ना। तो मैं एक ही को बनाता हूँ बच्चों ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखो अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, HCHO। इस तरीके से इस रिएक्शन को हम इजीली देख सकते हैं बच्चों। अब हम एक और रिएक्शन देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए यहाँ पर कंसेप्ट कि किस तरीके से आपको रिएक्शन को डिटेल करना है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हम एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों, देखो ध्यान से यहां पर अगला क्वेश्चन, अगर मैंने CH3CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन मैंने OSO4 के प्रेजेंस में NH4Cl के साथ यहाँ पर रिएक्शन करा दी, यहाँ पर CrO3 और H2SO4 लिया है बच्चों, जोन्स रिएजेंट बोलेंगे बच्चों इसको, और यहाँ पर मैंने HIO4 और लेड एसिटेट लिया है, तो क्या होगा बच्चों। सबसे पहले यह तो आप जानते हो बच्चों, यहाँ पर CH3CHOH, यहाँ पर CH2OH, ठीक है। नाउ इसकी रिएक्शन अगर मैंने CrO3 के साथ H2SO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 डिग्री एल्कोहल है तो यहाँ पर कीटोन, यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड। नाउ अगर मैंने इसकी रिएक्शन HIO4 के साथ कराया तो बच्चों क्या होगा बच्चों, लेड एसिटेट के साथ बताओ, ये आपका टूटेगा, तो ये आपका फ्रेगमेंट वन, ये आपका फ्रेगमेंट टू। देखो फ्रेगमेंट वन में क्या होगा, CHOH और यहाँ पर OH, अब ये यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर CHCOH बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझ लेना बच्चों इसको, ये आपका OH, ये आपका OH, ये यहाँ जाएगा और ये आपका बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर आपका फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका रिएक्शन होगा। आई होप तो कि आपको सारे रिएक्शन समझ में आ गए होंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड में काफी कुछ आपका रिपीटेड टॉपिक है। जब आपका रिपीटेड टॉपिक है तो आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा और इसके इतना डीप में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।